बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चांद बाबू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने मंच से दिया सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज। चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर जमानत जब्त नहीं करवा दी तो हमारा नाम भी चंद्रशेखर आजाद नहीं। तुम तो कह रहे हो सबका साथ लोगों का विकास कर रहे हैं, अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव करा के देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई। मैं तो मुख्यमंत्री के यहाँ चला जा रहा हूँ लड़ने के लिए, मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने। 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में, कोई से एक से आ जाए अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी जनसभा के दौरान भावुक हो गई। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की और कहा कि ये आखिरी लड़ाई है, हम थक चुके हैं। मामला हलीम मुस्लिम कॉलेज में जनसभा के दौरान का है। नसीम सोलंकी के साथ एसपी महासचिव शिवपाल यादव भी मौजूद थे। उन्होंने सीएम योगी के मिर्जापुर में दिए गए बयान पर पलटवार किया और कहा कि बौखलाए हुए हैं इसलिए अमर्यादित बयान दे रहे हैं। छुड़वा दो विधायक जी को, हम तक गए, बस ये आखिरी लड़ाई होगी इंशाल्लाह। वोट की अपील करते हो दुआओं की भी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाहर हूँ, ऐसे मर्यादा नाम की किसी बची नहीं। मैंने पहली बार जो सत्ता में हूँ और इस तरीके का अनमर्यादा पूर्व बातें करते हों और तो इनके पास बचे ही नहीं है कुछ, ये मर्यादाओं में अब नहीं है, ये खिंचाए हुए हैं, जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। बरेली में बीजेपी महिला नेता के घर को चोरों ने निशाना बनाया, ताला तोड़कर चोर घर में दाखिल हो गए, तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश और गहनों पर हाथ साफ किया। घटना प्रेम नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की है और उस वक्त बीजेपी महिला नेता नमिता शर्मा दिल्ली गई हुई थी। देर रात जब लौटी तो चोरी की वारदात का पता चला। फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस इस वक्त वारदात की तहकीकात में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीलीभीत में एक बच्चे को लाठी से पीटा गया, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स लाठी से एक बच्चे को पीटता दिख रहा है, खुद को बचाने के लिए बच्चे ने भागने की कोशिश भी की। करेली थाना क्षेत्र के बमरौली गांव की यह तस्वीर बताई जा रही है। यहां देखिए एक बच्चे को कैसे बेरहमी से लाठी से पीटता यह शख्स दिख रहा है। इसे जहां मन कर रहा है लाठी से उस तरह से हमला कर रहा है और इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे के सिर पर भी इस शख्स ने लाठी से हमला किया है। आखिर में आप देख सकते हैं बच्चा बहुत कोशिश करता खुद को बचाने की और पूरी ताकत लगाकर ये लाठी से बच्चे पर हमला कर रहा है। बहराइच हिंसा के आरोपियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बहराइच में हिंसा के बाद जिन 23 मकानों पर अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन का नोटिस लगाया गया था उस मामले में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है, अतिक्रमणकारियों को भी आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया है। अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज होनी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या नोटिस जारी करने से पहले वहां कोई सर्वे किया गया था या नहीं, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है वे लोग मकानों के मालिक हैं या नहीं, जिसने नोटिस जारी किया वो इसके लिए सक्षम अधिकारी हैं या नहीं, जो ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर रहे हैं क्या पूरा निर्माण या फिर उसका कुछ हिस्सा अवैध है।